नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ पशु बाजार। आज हम आए हुए यादव डेयरी फार्म पर और यहाँ से दिखाएंगे कुछ गायों का वीडियो। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भैया। तो आज कितनी गाय उपलब्ध है आपके पास? आज फार्म पे लगभग जो है 20 गाय उपलब्ध थी। अभी कितनी उपलब्ध? अभी तो बिक्री के लिए 3 गाय बची हुई। 3 गाय बची, बाकी सेल हो गई है। तो आज कुछ कम आई थी? हाँ, आज गाय काफ़ी कम थी क्योंकि लगभग हमारा 30-35 का आंकड़ा हो जाता था, लेकिन इस बार जो है थोड़ा एक अफवाह लोगों ने फैला रखी है, कुछ अज्ञात लोगों ने, कि प्रदेश में लंपी वायरस बहुत तेज़ी से फैल गया, इसकी वजह से गाय की खरीद फरोख्त बंद होने जा रहा है। और इस अफवाह के कारण किसान जो व्यापारी थे वो भारी संख्या में गाय किसान से नहीं खरीद पाए और भारी संख्या में जो है गाय नहीं मिल पाई, और ताकि इस अफवाह के किसी भी अफवाह के चक्कर में न पड़े, अभी जो है प्रदेश में सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि जिसकी वजह से जो है कोई बॉर्डर या कोई जो है गाय का लाना ले जाना बंद हुआ हो, अभी ऐसा कुछ नहीं बंद हुआ है। और उत्तर प्रदेश में अभी जो है सभी सामान्य पहले की तरह बराबर चल रहा है। बराबर गाय आ रही हैं और बराबर गाय आती भी रहेंगी। लगभग आज सभी बेहतरीन गाय थी और आपका आना भी लेट हुआ, इस वजह से सभी गाय जो है आपके चैनल के माध्यम से नहीं देखने को मिल पाई, लेकिन कुछ 2-3 गाय जो अभी बची हुई हैं, 2-3-4 सेल की गाय अभी जो सुबह लोड होंगी, कुछ गाय एमपी के लिए लोड होंगी, तो उनको हम आपके चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। तो आज आते ही 40-45 मिनट में सारी? हाँ, आज जो है काफ़ी गाय जो है सभी आते ही सेल हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाय भी नहीं थी और गाय भी जितनी थी सभी साफ सुथरा गाय थी। क्रॉस ब्रीड में ज़्यादा थी आज हमारे पास, और साहिवाल में थी और क्रॉस ब्रीड में थी। तो आप कौन से दिन अपने पास उपलब्ध रहेंगे गाय? इस समय सोमवार को भी जो है भारी संख्या में हमारे पास मिल रही है। तो हमारे जो लगभग नज़दीकी लोग हैं, नज़दीकी किसान हैं हमारे, वो हमें जो है 2 किलो भी फोन करके सोमवार को हमारे पास आ सकते हैं, सोमवार की सुबह जो है हमारे पास आ सकते हैं। सोमवार के दिन ज़्यादातर आपको साहिवाल मिलेंगी हमारे पास, साहिवाल, और मंगलवार के दिन क्रॉसब्रीड और साहिवाल दोनों मिलेंगी। लेकिन साहिवाल इस समय सोमवार को, कई सोमवार से अच्छी गाय हमारे पास आ जा रही हैं। और हमारे फार्म का एड्रेस जो है आपके चैनल के माध्यम से हम अपने नए किसान भाइयों को जो है चैनल के माध्यम से बताते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक ब्लॉक पड़ता है गोसाईगंज। गोसाईगंज ब्लॉक से मात्र 200 मीटर की दूरी पर अपना फार्म पड़ता है, जो कि मोहनलालगंज रोड पर स्थित है। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 91-98-13-15-13, 99-84-74-13-48 और 83-54-95-83-45, ये 3 कॉन्टैक्ट नंबर है। 3 कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से लोग जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमसे जो है अच्छी गाय जो है हम कोशिश करेंगे कि उनको अच्छी गाय। हाँ, ट्रांसपोर्ट की बिल्कुल व्यवस्था है, 15-20 गाड़ियाँ हमारे पास उपलब्ध रहती हैं, जो है हम लोगों को जो है गाय आसानी से पहुँचवा देते हैं, जिस ट्रांसपोर्ट का चार्ज जो है किसान भाई को जो है देना होता है। तो चलिए गाय को दिखाते हैं। ये बच्चिया ये देखते हैं आप लोग, ये कौन सी नस्ल की गाय है? ये साहिवाल की है और उसके बाद जो है इसमें थोड़ा हम नहीं, इसलिए क्रॉस ब्रीड जो है इसको कहा जा सकता है। क्रॉस ब्रीड जी, ये देखते तो ये कौन सी पहली बच्चिया है? अभी पहली बच्चिया है, बहुत ही जड़ थन से आर्डर से बहुत ही साफ है, क्वालिटी से बहुत जोरदार है। तो कितने टाइम ले लेगी बच्ची? अभी लगभग जो है 1 सप्ताह का समय ले लेगी। 1 सप्ताह? हाँ, तो ये देखो 1 सप्ताह का टाइम लेगी बच्ची, पहली बच्ची है ये, पहली बहुत साफ बच्ची है। ये देखते ऑर्डर कितना शानदार बनाया, बहुत ही शानदार बच्ची है ये, और बहुत ही सीधी है ये, देखो काफ़ी सीधी गाय, एकदम सीधी बच्ची है। अभी 2 दांत की है मात्र, 2 दांत की बच्ची है। तो कितना टाइम लेगा पता लेने की? 7-8 दिन का समय। काफ़ी अच्छी तो ये कितने में मिल जाएगी? पीछे तो ये भैया कितने में मिल जाएगी, कब तक लेना चाहें? ये देख सकते हैं आप लोग अगली तो ये भैया कौन सा जो है? राठी मिक्स है, राठी मिक्स जी। बच्चा दी हुई है, बच्चिया को जन्म दिया है, बच्चा दिए हुए कितने हो गए? बच्चा दिए हुए इसका जो है लगभग आज 12-15 दिन हो गए हैं। तो कौन से ब्याज में चेक किए? दूसरी बार बच्चे जी। तो ये देखिए आप लोग 12-15 दिन हो गए बच्चा दिए,
दूसरी बार रिफर किया तो काफ़ी अच्छी गाय है। ये दूध कितना कर देगी इसको? दूध जो है ये लगभग जो है 12-12 किलो कर देगी। दूध 12 किलो कर देगी, तो ये भैया बता रहे दूध 12 किलो कर देगी, ये काफ़ी अच्छी गाय। तो ये और इससे पहली वाली गाय दोनों जोड़ा में से ये एक साथ में खड़ी कर देते हैं दोनों। ये गाय दोनों एक जोड़ा साथ में सेल हुआ है, काफ़ी अच्छी दोनों गाय। ये दोनों सेल हो चुके हैं। ये कितने में सेल हुई है दोनों? ये दोनों गाय जो है 85,000 रुपए में हमने दे दी है। बाकी दोनों गाय हमारी 85,000 रुपए में खड़ी भी है यहाँ पे, लेकिन भैया लोग MP से आए हुए हैं और लास्ट में हमारे पास जो है यही औसत गाय बची जी। और काफ़ी गरीब हैं ये लोग, काफ़ी रिक्वेस्ट करने लगे तो हमने जो है इनको 85,000 रुपए में दोनों गाय दे दी हैं। ये दोनों 85,000 जी। काफ़ी अच्छी दोनों गाय हैं, उसने बच्चा दे दिया 10-12 दिन में, 12 घंटे टाइम लेंगे। काफ़ी अच्छी दोनों गाय 85,000 रुपये में। ये देखते हैं आप लोग, ये कौन सी? ये गिर है। गिर जी, ये देखते हैं गिर। कितना टाइम लगेगी बच्चे का? नहीं अभी लगभग 10 दिन का समय ले लेगी। 10 दिन का टाइम लेगी। कौन सी बच्चा करेगी इस बार? जो तीसरी बार बच्चा करेगी। तीसरी बार बच्चा करेगी जी। ये देखते आप गिर गए, तीसरी बार बच्चा करेगी। ये भी 40,000 रुपये में सेल हुई है। आप लोग गिर गए। ये कौन सी नस्ल की गाय है? साहिवाल। साहिवाल जी। तो कौन से ब्याह में बच्चा करेगी? अभी 8-10 दिन का समय ले लेगी। कौन से ब्याह में? दूसरे ब्याह में। दूसरे ब्याह में बच्चा करेगी, अभी 8-10 दिन का टाइम ले लेगी। देखते हैं आप लोग ऑर्डर। ये देख तो ये कितना दूध कर देगी इस बार? दूध जो है 10-11 किलो दूध करेगी। 10-11 किलो कर देगी। ये देखते हैं आप लोग, 10-11 किलो दूध कर देगी बता रहे हैं। ये सेल हो चुकी है गाय, तो ये कितने में सेल हुआ था? ये कितने में सेल हुई है? 40,000। 40,000 में सेल हुई। आप देखते यादव डेयरी फार्म 40,000 में सेल हुई। साहिवाल ही अभी 8-10 दिन का टाइम लगेगी, 4 दिन में खुला ही। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? संतलाल वर्मा। कहाँ से हैं? तेजवापुर 12। कितनी गाय खरीदी? 40,000। कितनी गाय खरीदी? एक गाय खरीदी। यही एक गाय? तो इससे पहले भी आ चुके हैं या पहली बार? नहीं, पहले भी आ चुके हैं। पहले भी? तो ये एक गाय खरीदी। हाँ। तो कितनी गाय रखी है घर पे आप? दो गाय हैं। और दो गाय और? तो बस घर के लिए है। हाँ, घर के लिए है। धन्यवाद। ये देखते हैं आप लोग अगली गाय, तो ये कौन सी नस्ल की? गिर है। ये गिर है जी। तो ये कितना टाइम लेगी बच्चा? ये बच्चा करने में लगभग जो है अभी समय ले लेगी जो है 10-12 दिन का। 10-12 दिन का? हाँ। कौन से ब्याह में बच्चा करेगी? बच्चा तीसरी बार करेगी भैया। तीसरी बार बच्चा करेगी जी। तो ये देखते आप लोग, गिर है, तीसरी बार बच्चा करेगी। देखो बेहतरीन कान क्वालिटी, मत्था, सींग, हम्प, बहुत ही जोरदार हम्प है। थन भी बहुत जोरदार है इसका। तो काफ़ी अच्छी गाय। तो ये इस बार कितना दूध कर देगी? दूध कर देगी भैया 12-13 लीटर। 12-13 कर दी जी। 12-13 लीटर भैया बता रहे हैं दूध कर देगी। तीसरी बार बच्चा करेगी, अभी 10-12 दिन का टाइम ले लीजिए। तो ये भैया कितने में मिल जाएगी अगर आपको लेना चाहें? 85,000 रुपये में उपलब्ध करा देंगे। 85,000 जी। तो ये आपको 85,000 रुपये यादव डेयरी फार्म पर ठीक है। तीसरी बार में बच्चा करेगी, फिर 10-12 दिन का टाइम ले लीजिए। सब जो लेना चाहे तो आ सकता है, भैया के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकता है। ये देखिए, ये देखते हैं अगली गाय। तो भैया ये कौन सी नस्ल की गाय है? ये गाय जो है जर्सी क्रॉस है। जर्सी क्रॉस जी। ये जर्सी क्रॉस है। तो ये कितना टाइम लेगी बच्चा करने में? ये बच्चा करने में अभी 12-15 दिन का समय ले लेगी। 12-15 दिन का टाइम जी। ये देखिए आप, जर्सी क्रॉस है, ये 12-15 दिन का टाइम। कौन सी गाय तो बच्चा करेगी इस बार? दूसरी बार बच्चा करेगी। दूसरी बार जी। ये देखिए आप, दूसरी बार बच्चा। बहुत ही भारी भरकम गाय है। भारी गाय है। ऑर्डर से कितना टाइम बताया ले लेंगी? 12-15 दिन का समय लेगी। 12-15 दिन का टाइम लेगी। तो ये इस बार कितना दूध कर देगी भैया? दूध ये कर देगी जी भैया 15+। दूध 15+? 15+ कर देगी। ये 15+ भैया बता रहे हैं दूध कर देगी।
भारी भरकम गाय है, आसानी से कर देगी। भारी गाय क्योंकि नाभि है इसलिए क्रॉस ब्रीड है, किसी भी स्थिति में रखा जा सकता है, खाने पीने में बढ़िया है, बेहतरीन है जी, और लंबी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कितने में मिल जाएगी अगर कोई लेना चाहे? भैया ये अगर कोई लेना चाहता है तो इसको 60,000 रुपये में उपलब्ध करा देंगे। ये 60,000 रुपये जी। तो ये देखते हैं आप लोग 60,000 रुपये में ले यादव डेयरी फार्म गोसाईगंज में, काफ़ी अच्छी गाय है। दूध कितना बताया कर देगी? 15+ करेगी। 15+ करेगी ये बता रहे हैं, 15+ ये बता रहे हैं दूध करेगी, काफ़ी अच्छी गाय देखते हैं। भारी भरकम गाय है, ये देखते हैं अगली गाय। तो भैया ये कौन सी नस्ल की गाय? ये भैया पुरानी जर्सी है। पुरानी जर्सी, ये पुरानी जर्सी है। आगे से देखिए भैया, इसका कान छोटा और मत्थे छोटे मुंह की गाय है। तो ये कौन से जाति में बच्चा करेगी? इसमें दूसरी बार बच्चा करेगी। दूसरी बार कितना टाइम लगेगी? 10 दिन में बच्चा कर देगी। 10 दिन में कर देगी जी। सलमान बॉडी से बहुत बेहतरीन गाय है, और अभी समय ले लेंगे, हाँ खोल के बढ़ा दो, 12-15 दिन का समय लेगी जी। तो इस बार ये दूध कितना करती है? दूध ये करेगी भैया 14 लीटर। दूध 14 लीटर कर देगी। तो ये देखते आप लोग, बहुत अच्छी ऑर्डर की गाय है। मिल्क वेल वगैरह नस वगैरह बहुत अच्छा है इसका जो है। काफ़ी सीधी भी गाय है। ये सीधी होती ही है जी, ये बहुत सीधी होती है। इनके बच्चा ना रहने पर भी जो है दूध इनका आराम से निकाला जा सकता है, ना रहने पर भी कोई दिक्कत नहीं है। लंबे समय तक जो है, क्योंकि देसी नस्लों में तो बगैर बच्चों के दूध नहीं निकाल सकते हो जी, लेकिन इनका जो है दूध फैट भी बहुत अच्छा होता है जी, और बहुत ही जो है कैसे भी माहौल में सेट कर लेते हैं। तो देखिए जब से ये आई हुई है बराबर जो खाने में ही मस्त है। सेम यही नस्ल है, वो भी पुरानी जर्सी, उसको बढ़ा दीजिए। तो ये भैया कितने में मिल जाएगी? रेट इसका जो है भैया, इसको हम जो है 45,000 रुपये में उपलब्ध करा देंगे। ये 45,000 रुपये में। तो ये देखते आप लोग 45,000 रुपये में ही याद होते हैं, काफ़ी अच्छी बहुत सीधी गाय है। पुरानी जर्सी तो अच्छी होती है, काफ़ी सीधी होती है, बच्चा ना रहने पर दूध निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती। ये देखते हैं अगली गाय, ये भी बहुत छोटे मुंह की है, ये भी पुरानी जर्सी है। ये भी पुरानी जर्सी जी। ये देखते हैं आप लोग ऑर्डर कितना भारी बनाएगा। बहुत अच्छा ऑर्डर करेगी, 15+ दूध करेगी। ये भी कितना टाइम लेगी बच्चे करने में? ये 10 दिन का समय ले लेगी। कौन से बात में बच्चा करेगी? दूसरी बार बच्चा करेगी। दूसरी बार ये भी? हाँ। ये देखते हैं दूसरी बार ये भी बच्चा करेगी। इसकी लंबाई देखिए, बहुत ही बेहतरीन लंबाई है इसमें। ये ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर भी काफ़ी अच्छा है। कितना टाइम बता भैया लेगी? कितना टाइम लेगी? दूसरी बार बच्चा करेगी। टाइम कितना लेगी? टाइम अभी 10-12 दिन का समय लेगा। 10-12 दिन का टाइम लेगी, काफ़ी अच्छी है जी। देख तो ये भैया कितने में मिल जाएगी? इसको भी 46,000 रुपये में। ये 46,000 जी। तो ये देखते हैं आप लोग, ये 46,000 रुपये में मिलेगा, काफ़ी अच्छी गाय। ये देखते हैं आप लोग, ये खाने में बहुत फास्ट होती है। देखते हैं आप लोग, अभी तुरंत उतरी है, तब भी जो है खाने में एकदम पूरा जो है मस्त है, और बॉडी बंदी से दोनों जो है बहुत वजन है, भारी है। ये सीधी होती है, एकदम शांत होती है। तो ये देखते हैं आप लोग, इतनी ये 4 गाय उपलब्ध है। 4 गाय अभी बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, और लगभग अभी रात का जो है जो टाइम हो रहा है 8-9 बजा है, और ये 4 गाय हमारे पास बची हुई है, बाकी सारी गाय सेल हो चुकी हैं। 40-45 मिनट में ये सारी गाय? हाँ, सारी गाय जो है सेल हो गई हैं, 4 गाय आज बची हुई हैं। 20 गाय की? हाँ, 20 गाय की। तो अब सोमवार को जो है अभी गाय हमारे पास आएंगी, और मंगलवार को भी जो है गाय देखने को मिलेगी बराबर। इधर भादो के महीने में थोड़ा गाय हमारे पास कम आ रही हैं, और कम हम लाएंगे भी, और पुनः दुर्गा पूजा नवरात्रि के लगते ही फिर से पुनः पहले की तरह 50 के रेशियो को फिर जो है हम बराबर वही रेशियो छुएंगे, और हम 50 के रेशियो में गाय अपने पास एकत्रित करेंगे, भारी से भारी गाय और भारी संख्या में। गिर का भी जो है हम वही दुर्गा पूजा के आसपास जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है गाय। लोग कमेंट करते हैं कि गिर आप कब से मिलने लगेंगे? गिर भी जो है नवरात्र से जो है आने लगेंगे, नवरात्र से।